स्वागत है आपको हमारे चैनल फूड साइट पर। हम बनाएंगे मसाला डोसा। इसके लिए लिया है आधा कटोरी चावल का आटा, आधा कटोरी सूजी, 1 बड़ा चम्मच उड़ी दाल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, 1 चुटकी मीठा सोडा। ये सबको हम घोल तैयार कर लेंगे। हमने पतला घोल तैयार कर लिया है डोसा जैसा। अब इसे थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। अब इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। हमने पैन चढ़ा लिया है गैस पर। इसमें हम डालेंगे तेल, सरसों, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, कसा हुआ अदरक, कसा हुआ प्याज अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और थोड़ा सा नमक देंगे जिसमें कि टमाटर हमारा गल जाए। इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ बीन्स और हल्दी। ये 5 आलू उबाला हुआ हमने ले लिया है, इसे हम इसमें तोड़कर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि पहले भी हमने टमाटर में थोड़ा नमक डाला था, उसी हिसाब से अभी डालेंगे। डालेंगे हम थोड़ा भून लेंगे। अभी सबको मैश कर लेंगे। हमने इसे मैश कर लिया है, लेकिन बहुत सूखा सूखा है इसलिए थोड़ा सा पानी मिला देंगे। हमारा मसाला तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमारा ये घोल अच्छे से मिलकर तैयार हो गया है। इधर हमारा तवा गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा पानी छिड़ देते हैं। हम 1 कलछुल बैटर लेंगे, हमने इसे अच्छे से फैला दिया है। इस तरह से हमने तैयार मसाला लगा देंगे। इसमें कटा हुआ पनीर डाल देंगे, और इसे पलट देंगे। हमारा डोसा तैयार है। अब गरम गरम हम सर्व करेंगे दाल वाली चटनी के साथ। इसका वीडियो पहले हमने चैनल पर डाल दिया था, आप चाहे तो जाकर देख सकती हैं।